Abdulaziz for proclaiming the establishment of the Kingdom of Saudi Arabia. United by the Quranic message, there is no God but Allah, and Muhammad is the messenger of Allah. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रियाद। और इस टाइम पे हम लोग जा रहे हैं दरिया दरिया, जहाँ से फर्स्ट सऊदी कंट्री स्टार्ट हुई थी, पुराना रियाद बिल्कुल स्टार्ट वाला, और सऊदी अरेबिया की स्टार्टिंग वहाँ पर जाके हम लोग आज जाके देखने वाले हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पर रियाद का ख़ास तौर पे एक रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ से रेकमेंडेड था, उसका नाम है शोरमा हाउस। तो शोरमा हाउस भी ट्राई करेंगे एंड पे रात को, क्योंकि लंच हो गया है। चलते हैं दरिया, जल्दी से सब्सक्राइब करें। यार अब्दुल भाई, आप तो मक्का की तरफ लेके जा रहे हैं, मक्का के बोर्ड आ गए हैं, ये क्या बात है? चले जाएंगे मक्का, क्या होगा, फिर आ जाएंगे। मक्का अपना घर है भाई, कितना प्यारा लग रहा है मक्का, चलो देखो ना, देखने में एक सुकून सा आ रहा है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और सामने रश देखें यार, रश यहाँ पे रियाद में आके बड़ा ज़बरदस्त हमें फील हुआ है, माशाल्लाह। बिजी लाइफ, बिजी दुनिया। वाजिद भाई, आप क्यों खामोश हैं यार, लगता है आप महफिल में नहीं हैं। हैं हैं, इधर ही हैं। इधर ही हैं, पक्की बात है। कैसा लग रहा है रियाद आपको? बहुत अच्छा, लेकिन ट्रैफिक बहुत है। चलें जी, इस टाइम पे हम लोग दरिया में पहुंच चुके हैं और फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा है। गाड़ी पार्क हम लोगों ने कर दी है और अब हम लोग यहाँ पर घूमना फिरना स्टार्ट कर रहे हैं। इस टाइम पे जहाँ पर हम लोग घूम रहे हैं, इस जगह का नाम है बुजेरी टैरिफ, और अभी हमें हमारे एक दोस्त ज्वाइन करने वाले हैं, वो हमें काफ़ी चीज़ें बताएँगे यहाँ के बारे में इंशाल्लाह। देखें जी, दरिया जो है ना, बेसिकली वो जगह है जहाँ से सऊदी किंगडम स्टार्ट हुआ था 1727 में, और उसके बाद सबसे पहला कैपिटल सऊदी अरेबिया का यही था दरिया। और यहाँ से अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आगे छोटे छोटे म्यूज़ियम हैं वो आपको दिखाएंगे, और उसके बाद ओल्ड टाउन यहाँ पर पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, ओल्ड टाउन की तरफ जाएंगे हम लोग। देखें जी, अगर आप यहाँ पर दरिया में आते हैं तो आप ऐसे ही समझें कि आप सऊदी अरेबिया की तारीख़ में एक बार गुम होने जा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अभी हम लोग इस म्यूज़ियम के पास आए हैं, और म्यूज़ियम के सामने एक जगह है, और ये म्यूज़ियम भी तुरैफ में है। और तुरैफ जो है, ये बेसिक कैपिटल बना था सऊदी अरेबिया का, जब सऊदी अरेबिया स्टार्टिंग में, कब वो सामने लिखा हुआ है, 1727 में बना था, और उसके बाद फिर तुरैफ जो है 1766 में इनका कैपिटल बना, मतलब जहाँ से हुकूमत चलाते थे, और उसके बाद जनाबे आला सऊदी अरेबिया की हुकूमत ख़त्म हो गई थी 1818 में, और फिर वापस से सऊदी अरेबिया ने हुकूमत बनाई 1824 में, और मतलब सऊदी अरेबिया बन गया दूसरा, सेकंड सऊदी कंट्री। और फिर यूनिफिकेशन ऑफ सऊदी अरेबिया हुई थी 1932 में, जब पूरा सऊदी अरेबिया जो अभी आपको नज़र आ रहा है वो जमा हुआ था एक साथ। ये हमारे दोस्तों का फ़ोटो शूट चल रहा है यहाँ पर म्यूज़ियम में, और ये म्यूज़ियम है पूरा। और 1999 में किंग सलमान गवर्नर थे रियाद के, तो तब उन्होंने ये दरिया को प्रिजर्व किया था और इसको इस हालत में लाने में कोशिश की थी, जो कि अभी आपको देखने को मिलती है। यार ये यहाँ पर कुआं बड़ा अलग तरह का देखने को मिला है, पुराने ज़माने का लेकिन अपडेटेड। इसके ऊपर चक्के भी लगे हुए हैं, अंदर वो डोल भी है चमड़े का जिसके अंदर से पानी निकालते थे। तो ये पुराने ज़माने का एक कुआं है यहाँ पर दरिया का। क्या हुआ? टमाटर चेक करें। टमाटर लगे हुए हैं, वाह। ये देखें यहाँ पर ना, इसका ये मतलब है कि दरिया में ज़मीन जरखेज़ थी, तो यहाँ पर ये देखें, ये पौधे वौधे भी लगाते थे जिससे ये गुजारा करते थे। चलें जी, अभी हम लोग ओल्ड टाउन में दाखिल होने वाले हैं, पुराने घर देखते हैं। भाई ये तुरैफ का इस कैपिटल की जामे मस्जिद है, और ये नीचे वाला खाना है जामे मस्जिद का, और ऊपर वाला खाना ये है जहाँ पर नमाज पढ़ते थे, और जामे मस्जिद थी बेसिकली इस कैपिटल की। सेंचुरीज अगो जब इस पूरे एरिया में हर तरफ डेजर्ट था ना, तो बीच में एक ओएसिस था। ओएसिस पे चूँकि रहाइश पॉसिबल थी, तो वो फैमिली सऊद्स की जिन्होंने इस स्टेट की बुनियाद रखी, वो ट्रैवल करते करते इस ओएसिस पे आए, और इन्होंने फिर यहाँ पे आके जो नजद वाली पॉपुलेशन थी, अब यहाँ आप जहाँ से आ रहे हैं जी जी, हिजाज वाली साइड से, और ये वाले नजद वाले थे, तो नजद वाली पॉपुलेशन की स्टार्ट इन लोगों ने रखी। अच्छा। एंड दे आर द फर्स्ट फैमिली जिन्होंने आके फिर यहाँ सलवा पैलेस बनाया, इस दरिया को दे मेड देयर कैपिटल, और सऊद की फैमिली यहाँ से इन्होंने रूल करना शुरू किया। ओके, देखें जी, इस तरह से इनके रूम्स हुआ करते थे। अब इसकी हिस्ट्री का नहीं पता मुझे कि ये डिवाइड क्यों हुआ हुआ है अंदर से। इसी तरीके से काफ़ी म्यूज़ियम चलते रहते हैं यहाँ पर दरिया में, और ये वाला ख़ास तौर पर म्यूज़ियम है खेल अल अरबी, मतलब अरेबियन हॉर्स,
उसका म्यूज़ियम है, यहाँ पर अरबिक कैलीग्राफी भी हुई हुई है और अरेबियन हॉर्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया हुआ है। देखें भाई, ये पासपोर्ट है घोड़े के लिए, इंसान के लिए नहीं। ये देखें, देखें जिस तरह से इसको बिल्कुल प्रॉपर हिसाब किताब से बनाया हुआ है ना, उस तरीके से ये पुराना एरिया अभी तक वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है और इसको इन्होंने बनाना है। देखें यहाँ पर, ये वही चीज़ है, दरिया का इलाका है लेकिन इसको, इसकी मुरम्मत नहीं हुई अभी तक, तो इसलिए ये ओपन नहीं है। ये लें सर, आखिर आपको अंदर से भी ये रूम्स दिखा दिए कि किस तरह के होते थे। इस तरफ देखें नेज़े हैं ज़बरदस्त, इस तरफ तलवारें हैं, देखें किस तरीके से तलवारें लटकाई हुई हैं, और इस तरफ बंदूकें, और इस तरीके से वर्ल्ड वॉर की जो है तस्वीर कशी की हुई है यहाँ पर। देखें इस तरीके से लड़ते थे यहाँ पर किलों के ऊपर से। यहाँ पर गौर से अगर आप सुने ना, तो जो मंज़र होता है जंग का, वो वाला चेहरा है। देखें ले चलें जी, घूम फिर के थोड़ा सा थक गए तो अब रेस्ट लेने लगे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर चाय कॉफ़ी वगैरह पियेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त देखें शाम हो रही है और बहुत खूबसूरत मनाजिर लाइट्स के साथ ऑन होने शुरू हो गए हैं। देखें यहाँ पर ना, पुराने ज़माने में जिन चीज़ों पे सफ़र होता था, ट्रेड के लिए इस्तेमाल करते थे, वो चीज़ें हैं यहाँ पे। ये घोड़ा है इस तरफ, और इस तरफ माजिद भाई है, इस पे नहीं लेकिन ये इस तरफ ऊँट वगैरह हैं, साथ में बकरे हैं, और ये तिजारत का सामान नीचे रखा हुआ है। बड़े किले की ना अंदर एक माल होता है इस तरह, बैतुल माल में पैसा भी था, राशन भी था। देखें जी, ये वो वाला बैग है जिसमें तिजारत का सामान लेके आते थे, और इसके अंदर देखें खजूरें वगैरह और कॉफ़ी बीन्स यहाँ पर रखे हुए हैं, और इसके अलावा ये खाल का कुछ है जो कि तिजारत के लिए लेके जा रहे हैं, साथ में ख़त भी है, इधर ख़त भी रखा हुआ है। और ये जनाब आला आ गए हम लोग स्कूल में, ये देखें स्कूल की बिल्डिंग, और इस तरफ देखें मौदा बिन सुल्तान। अब माजिर भाई ने रेकमेंड किया कि अंदर जाके क्लास देखें, क्लास कैसी चल रही है। क्लास खाली है सर, वो छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, हाँ हम लेट आए हैं, आप लोग लेट आए हैं बिल्कुल। ये देखें जी, पुराने क्लासरूम्स इस तरह के होते थे। लें सर, ये चैन के भी पड़ी हुई हैं, ये तो कॉफ़ी शॉप ज़्यादा लग रही है क्लासरूम के बजाय। ये रात को देखें यहाँ पर ना प्रोजेक्टर के ज़रिए ये पूरे व्यूज़ चलते हैं यहाँ पर, दिखाते हैं पुराना माहौल, ये वो इस तरह का। There is no God but Allah, and Muhammad is the messenger of Allah. चलें जी, यहाँ पर दरिया में हम लोग घूमे, बड़ा मज़ा आया और बहुत ज़बरदस्त हम लोगों ने दिन का व्यू देखा, फिर रात का व्यू देखा, और यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए थे, बड़ा इंजॉय किया हम लोगों ने इस जगह को। ख़ास तौर पे सऊदी की हिस्ट्री के बारे में हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला, और रात को ख़ास तौर पे लाइटिंग देखें यार, कितनी खूबसूरत है, और यहाँ पर प्रोजेक्टर के ज़रिए सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री भी बताई जाती है। अच्छा, हमारे साथ हमारे भाई हैं, उन्होंने हमें रेकमेंड किया था कि आप असर के बाद आएँ, 5 बजे तकरीबन आप आ जाएँ, 4:30 बजे। एक तो 5 बजे से पहले आपकी एंट्री फ्री होती है, फ्री में आपको टिकट मिलती है, एक ये चीज़, और दूसरा अगर आप 4:30-5 बजे आते हैं तो आप दोनों व्यू देख सकते हैं, दिन का भी और रात का भी। कैसे अब्दुल भाई? जी सर, रात का एक अलग मंज़र है, अलग एक उसका अलग जो है ना, हाँ हाँ हाँ, और दिन का एक अलग है, उसका अपना एक मज़ा है। यहाँ पर जो हमें आइडिया दिया था, जो सब कुछ बताया था, वो हैं हमारे रिजवान भाई, और रिजवान भाई जो है ना थोड़ा सा कैमरा शाये हैं, तो इसलिए उनकी तस्वीर नहीं दिखा रहा मैं आपको। अब्दुल भाई, आपके साइज़ की कुर्सी है, जहाँ बैठे आपकी तस्वीर बनाते हैं, ऑर्डर दो चले। तो ख़वातीनों हज़रात, दरिया से हम लोग निकल आए और अब जा रहे हैं स्पेशल उस तरफ, जिस तरफ हम लोग अक्सर जाते हैं, दिन में 3 बार जाते हैं, अगर आप गलत ना समझे हो तो, खाना खाने। आप समझ लें शौरमा हाउस रियाद का अलबेकी है, इतना फेमस है यहाँ पर रियाद में, जिससे मैंने पूछा क्या खाएं, कहते हैं शौरमा हाउस। तो मैंने कहा शौरमा हाउस हो जाए भाई, है भाई, हो जाए भाई, हो जाने दो, हो जाए। मज्जू भाई, आपको तो भूख नहीं लगी होगी? नहीं नहीं, खा लेंगे, चेक करते हैं। अच्छा, चेक करेंगे, हाँ ये बहुत ये हमारे ये चेक करने वाले चेक करने वाले हमेशा खतरनाक होते हैं यार, बहुत। चलें देखें सर, ये गई टिकट, 30 रियाल, 30 रियाल ये हमारा आया। फदल आ रही है, चिपका दें भाई उधर, हो गया। आगे जनाब आला हम लोग
शर्मा हाउस के पास बेटा शर्मा। पार्किंग का बहुत इशू है भाई। आने दे 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 आने दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऑर्डर ये हमारा तो सके तो हमारा ही है। वाह लगवा लिया ये बारबेक्यू है। वो रिजवान भाई ने जनाब ऑर्डर लगवा दिया है हमारा। उधर अंदर देखें कैसे शोरमा बन रहा है जबरदस्त। वाह क्या बात है। इधर ये भी हमारा है। क्या बात है यार रिजवान भाई आपने तो स्पीड मारी है। हैं ओए ओए वो नेक्स्ट आइटम भी आ गई। वाह मेन चीज है ये वाली शॉर्मा। अच्छा माशाल्लाह 3 4 5 6 7 कितने 5 रोल्स लगे हुए हैं ना। लें सर। ओहो अच्छा यहाँ पर अमेरिकन सिस्टम है कि आप अपना ऑर्डर खुद ही लेके जाते हैं ऊपर, मगर फिलहाल एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है और टेस्ट ऊपर जाके बताते हैं आप। लें सर मज़े की बात ये है कि आप यहाँ पर ओपन एयर बैठ के खा सकते हैं। वाह अच्छी जगह यार। ये हम लोग हाई जहरा लबन में हैं और नजद रोड है ये, और इसी तरफ ही आगे अलबेग भी है और काफ़ी बिजी रोड है, और इस तरफ है हमारा खाना माशाल्लाह। ये हमारे जनाब आला इसमें 2 बीफ हैं और 1 चिकन है। यहाँ पर बीफ प्लेटर है और इस तरफ हमारा बारबेक्यू प्लेटर है, और ये साथ में इस तरह की बीफ के साथ और बारबेक्यू के साथ मिली है। थैंक यू। चिकन दी है भाई सबसे पहले कुछ यार। चिकन भी नेक्स्ट लेवल है बहुत मज़ेदार। और ये बीफ अमेजिंग बहुत मज़ेदार। खास तौर पे इनके जो रैंच सॉस अंदर डाला हुआ है ना कमाल। जरा हमारे भाई कहते हैं ना नेक्स्ट लेवल। आज कुछ अलग नहीं है आज नेक्स्ट लेवल। ये मायो है साथ में आई थिंक, लेकिन इनका अपना स्पेशल बना हुआ है। और ये साथ में अगेन कोई रैंच है या फिर कॉकटेल सॉस है। थैंक यू यार आज अब्दुलरहीम भाई। तो जनाब अब्दुलरहीम भाई आप जन्नत कमा रहे हैं माशाल्लाह। तो ठीक है मेरा काम तो याद है ना आपको। हाँ इसका अपना मज़ा है। देखिए ना यहाँ पर जितना आपका दिल करे बीफ लेके ना, साथ में जितने ब्रेड लो और साथ में ये हुमस लगाएं आप, इनका सॉस लगाएं, बल्कि ये वाले सॉसेज यार ये वैसे इससे होता नहीं है पता नहीं कैसे आज आज ज़्यादा कुछ अदब कुछ काम है आपके। ये को आगे से उठा के खाने वाले भाई थे आज दे रहे हैं वाले सुबह। ये हुमस के साथ कबाब जी भाई रोटी आई थिंक बीफ है, कबाब भी मज़ेदार है, और कबाब इनका जो है ना बिल्कुल डिफरेंट है। ये वाली रोटी अभी ले रहे हैं हम लोग, और इसका ये फैट। हाँ हाँ आज सबको खिला रहे हैं अल्लाह ताला। उनके साथ कोई मतलब अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी लंबी करे भाई। हमारे भाई हैं एक इंसान ऊपर जाने से पहले अच्छे अच्छे अमाल करता है अल्लाह ताला। मुझे बहुत टाइम क्यों बहुत लोगों को पैसे देने उनकी दुआएं मरने भी नहीं। हाँ ये जनाब आला चिकन कबाब एंड चिकन बोटी एक साथ ही हम लोग जाने देते हैं ताकि फिर हम लोग अपना मील इंजॉय करें दोस्तों के साथ। यार बहुत अच्छा बारबेक्यू बहुत अच्छा है, शोरमा वगैरह बहुत अच्छा है। यहाँ के स्पाइसी नहीं खाते हैं। चलें थोड़ी देर बाद मिलते हैं वाजिब भाई के साथ बहुत ज़्यादा। ये सर जी हमारे बिलियर्ड के प्लेयर मास्टर क्लास। बहुत तेरी है आप रहने दे भाई आपसे ना हो भाई। ये हमारा इनको देखने टच कर जाए फिर कहना मुझे। ठीक है वो टच कर ले शॉट है भाई काला काला ब्लैक ब्लैक ब्लैक। अरे साहब स्टेक खेलें ये वाह नहीं चल अब ये वैसे भी हारेगा देखते हैं। ये काली जा रही है हार गया अपने को खेलने की जरूरत ही नहीं है भाई। चलो आप करो।